गहरी सांस लेंगे, करेंगे 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण तदुपरांत सरस्वती मंत्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति। दोनों हथेली को घर्षण कीजिए, उष्मा उत्पन्न कीजिए और हल्के से दोनों हथेली को अपने चेहरों पर रखें, आंखों पर रखें, उस गर्माहट को महसूस कीजिए। धीरे से दोनों हथेली को अपने पूरे शरीर पे फेरते हुए वापस आ जाएंगे। सभी को प्रणाम, शुभ संध्या, सभी का स्वागत है हठ पर देविका के इस। मैं उम्मीद करके चलता हूँ अभी तक जितने भी लेक्चर हुए होंगे आपको समझ में आया होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज बता दीजिए, जिनका फर्स्ट सेकेंड लेक्चर है वो कृपया करके अपने पुराने लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, वहां भी अगर कोई समस्या आए तो वहां पे आप कमेंट कीजिए, ठीक है? या फिर मेरे नंबर्स आप लोग के पास रहते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, पहले मैसेज कीजिए, अगर मैं फ्री रहा तो जरूर रिप्लाई करूंगा, जनरली मैं करता ही हूँ रिप्लाई। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अगर मैं फ्री रहा तो मैं बात की, बट पहले मैसेज। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे बाकी के कुछ प्राणायाम जो बाकी रह गए थे, और आज हमारा द्वितीय उपदेश समाप्त हो जाएगा। करीब करीब 50% हमारा सिलेबस जो है हो चुका है ना, ज्यादा ही हो गया है देखा जाए तो। चलिए फिर, अभी तक कोई समस्या नहीं है ऑल ओके? कम से कम सिग्नल दे दो यार, हरी झंडी दिखा दो, तभी तो आगे बढ़ेंगे, गाड़ी रुकी रह जाएगी नहीं तो। ओके चलो यार, सर थम्स एक अप बार हो भस्त्रिका जाएगा। की जो सर एक बार भस्त्रिका जी की जो टेक्निक है एक बार रिवाइज करा देंगे उसको। श्योर श्योर श्योर, मैं आप ही लोगों के बीच में से रिवाइज कराऊंगा ताकि उनका भी रिविजन हो जाएगा। चलो कौन बताएगा, सीमा जी बताइए। जी आप सर, भस्त्रिका का कैसे करते हैं, भस्त्रिका बता दीजिए एक बार। सर आपकी वॉइस कट हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भस्त्रिका अरे साक्षी, भी ठीक है साक्षी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सुना बता दो। एकदम पूरा होना चाहिए, कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं, स्टार्टिंग टू एंड तक, ठीक है? इसमें मैंने बहुत चर्चा भी करी थी, है ना? चलिए बताइए साक्षी जी, मेरी आवाज जा रही है, बताइए यस सर जी, सर आ रही है आपकी आवाज। एक बार, बता दीजिए। हाँ जी सर, सबसे पहले इसमें हमें पद्मासन लगाना था, फिर उसके बाद बिल्कुल गर्दन और शरीर को सीधा रखना था, अपने मुख को बंद करना था और थोड़ी आवाज के साथ हमें रिचा करना था, मतलब ऐसा करना था जिससे हमारी जो वायु है उसका स्पर्श हृदय कंठ हो कपाल तक हो। फिर उसके बाद पूरा पूरा करना था हमें, फिर इस तरह से ही बार बार हमें रिचक और पूरा करते रहना था लोहार की धोकनी के समान। और उसके बाद जब थकान हो जाए हमें ये सब क्रिया करते हुए, फिर हमें राइट नोस्टल से पूरा करना था। फिर उसके बाद हमें, कंप्लीट। नहीं नहीं सर और है, फिर उधर से हमें उधर को वायु से पूरा भरना था। उसके बाद मिडल और जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको लगाए बिना ही हमें अपने नाक को बंद करना था और बाएं नाक से वायु का रेचन करना था। ठीक, होल्डिंग करना है इसमें, है ना, ध्यान रखना है। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाई थी। चलो देखो बता दे रहा हूं मैं, देखो किसी भी पद,
मतलब किसी भी नहीं, पद्मासन में आपको बैठना है, ठीक है। आपकी जो शरीर है, एक बार सुन लीजिए सब लोग, इसकी विधि को बहुत अच्छे से समझना है। पद्मासन में भी लगाना है, ठीक है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है। पद्मासन किसमें बताया है, पद्मासन क्या होता है, सर्व पाप विनाश। तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, ठीक है। पहले तो सांस को पूरे वेग के साथ, है ना, सांस को लिया, हृदय कमल तक सांस को क्या करना है, खींचना है। और फिर पहले तो सांस को बाहर छोड़ देना है ना, कंप्लीट पहले बाहर छोड़ दीजिए, रेचक कर दीजिए मुंह को बंद करके। पहले सांस हमने छोड़ दिया, पद्मासन लगाया, सांस कंप्लीट बाहर छोड़ दिया। इसके बाद फिर सांस जो है लेना है, और कहाँ तक लेना है, हृदय कमल तक, चेस्ट तक लेके जाना है, धीरे धीरे वेग के साथ, और धीरे धीरे जो है आपको वायु छोड़ना है, और इसको कंटिन्यू करना है, लोहे लोहे की धौकनी के समान इसको चलाना है, कंटिन्यू इनहेल एक्सेल। लेकिन पहले आपको एक्सेल करना है, फिर इनहेल एक्सेल इसको कंटिन्यू करना है। जब आप थक जाओगे, ठीक है, तब आपको सूर्य नारी से पूरक करना है, सांस ले लिया, जब थक जाओगे तो सांस लेना है, और फिर पेट तक भरना है, उदर तक भरना है, ठीक है। और फिर बिना होल्ड, मतलब बिना मध्यमा और तर्जनी उंगली के इसको होल्ड करना, मतलब यूज क्या करना है, अनामिका, कनिष्ठ और अंगूठे का यूज करके नाक को बंद करके होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे सांस को किससे छोड़ना है, होल्डिंग के बाद ईरा नाड़ी से छोड़ना है, ठीक है। यही बताया है आपको भ्रस्तिका, जो वात पित्त कफ को दूर करता है, अग्नि बढ़ाता है, ठीक है, कुंडलिनी का जागरण करता है। पर तो ये सब मुख्य मुख्य बातें थी, ठीक है। तीन ब्रह्म जो हमारे ये हैं ग्रंथि हैं, तीन ब्रह्मा विष्णु रुद्र, इसका क्या करता है, नाश करता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज हम भ्रामरी देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। ग्रंथियों का नाश नहीं करता, भेदन करता है। भेदन भेदन करता है, अच्छा नाश बोल दिया क्या मैंने, भेदन करता है, नाश नहीं भेदन करता है, सुना है जैसा नाश। अच्छा नाश बोल दिया था क्या, चलो भेदन करता है। सर एक बार उज्जाई और ये भस्त्री का प्रैक्टिकल करके दिखा दो। ओहो चलो ठीक है। बस्ती का वैसे पता है सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए, हमारे उधर भरे हुए हैं। चलो मैं बता देता हूँ, पहले सांस बाहर छोड़ देना, गर्दन सीधा, पद्मासन नहीं दिखेगा आपको, क्रॉस क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, ठीक है। सांस को कंप्लीट पहले बाहर छोड़ देना है, ठीक है। बाहर जो है छोड़ने के बाद सांस खींचा, अब आपको दिखेगा नहीं कि हृदय कमल तक लेके आना है, वो फील करना है आपको। पहले सांस खींचा, कपाल तक ऊपर तक फील किया, सांस लिया, फिर सांस नहीं, पहले सांस छोड़ देना है, आई एम सॉरी, सांस छोड़ दिया, और फिर सांस लेना है, हृदय कमल तक लेके आओ, अब आपको लगे कि थकान हो गई है तो फिर सांस खींचो, भर लिया, देखो ये इससे बंद किया नाक को, और फिर रेचक करना है लेफ्ट नोस्टल से, ठीक है जी। मैं तो यार पसीना पसीना हो यस गया। सर। सर बस्त्री का सर एक आपने बार उज्जाई और बात करते दिखा। सर आपको सिद्धि प्राप्त हो गई इसीलिए। अरे यार मैं 2 बार किया, पूरा पसीना हो गया मैं तो। उज्जाई जो होता है ना, सिर्फ हिसिंग साउंड फील करना होता है, और लेफ्ट नोस्टल से सांस छोड़ना है, ये सिर्फ मुझे फील होगा, एक्चुअली आप लोगों तक आवाज नहीं जाएगी। इसको संकुचित करना है थोड़ा सा ना, पहले सांस पूरा कंप्लीट बाहर छोड़ दीजिए, गर्दन भले सीधा रखो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ये जो हमारा बोलते ना ख ख ख इपिग्लॉटिक्स, ये जो जगह है हमारा, उसको खींचना है हल्के से, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट किया,
और फिर सांस की, सांस अंदर ले रहा है, ये सिर्फ मुझे फील हो रहा है, एक हिसिंग साउंड मुझे फील हो रहा है एक्चुअली, यहां पे घर्षण हो रहा है, और फिर लेफ्ट से सांस छोड़ देना है, ठीक है, इधर नाड़ी से सांस छोड़ देना, सब जब सर ओके। जब उसको संकुचित करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आवाज आती है वैसे। हाँ वो होता है आप ना, मतलब फेस का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है, लग रहा है क्या हो रहा है एकदम, मतलब अजीब सा फील होने लग जाता है, वो नहीं करना है, आवाजें वो नहीं निकालनी उस तरह से, बहुत से लोग कांपने लग जाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है वो कांपने लग जाते बिल्कुल सर जी, इस हमारे यहाँ तरह ना ऐसे ही सिखाते जैसे आपने कराया, ये नहीं सिखाते जैसा आपने किया है, ऐसा नहीं सिखाते। दिल्ली में मोस्टली 95% इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ऐसे सिखाते हैं जो गलत तरीके वाला है, जिसमें अजीब सी आवाज वाला। मैं वही कहूँ कि 80% लोग गलत, मुझे भी नहीं पहले वही इवन पता था। मुझे भी यही सिखाया गया था, ठीक है, जब मैं बाबा यहाँ रामदेव करते मैंने फिर मुझे इतना हमें हमें इतना एक मैं फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं सीख रही थी, वहाँ क्या हुआ कि उसमें पढ़ाया गया हठ योग का स्पेशलिस्ट लोग कि अगर आपको खांसी आती है तो इसका तो मतलब आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हाँ तब बिल्कुल हमने ये क्वेश्चन पूछा उनसे कि मैम ऐसे तो खांसी आती है ये। देन हमारी मैम ने हमें बताया कि आप जो कर रहे हो तो बहुत गलत तरीके से कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है, मतलब देखो मुझे तो यहाँ मेरे जो हमारे सीनियर है मेडिकल ऑफिसर, वेरी नॉलेजेबल, उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली इसके रीजन, कई सारी चीजें उन्होंने मुझे समझाई, तो मुझे समझ, अच्छा हाँ यार कंजेशन नहीं होना चाहिए इस जगह पे भाई, अगर इस तरह के लगातार जो अभ्यास करते हैं ना उनको यहाँ स्वेल हो जाता है, ऐसे कई सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास यहाँ पे जो सर जी योगा मैं यूट्यूब सिखाया से हूँ, सीखते हैं, जो यूट्यूब से सीख रहे होते हैं या फिर कहीं पार्क में गलत तरीके से, या जो 6 महीने के कोर्स करके या फिर 1 महीने या 1 सप्ताह का कोर्स करके जो सर्टिफिकेट वाले होते हैं ना, मैक्सिमम जो आजकल जो इस तरह का चलता है ना कि वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हमारे यहाँ 6 दिन का वर्कशॉप कर लीजिए और फिर वो योगाचार्य हो जाते हैं और वो सिखाते रहते हैं, आपके आसपास भी ऐसे कई सारे लोग दिख जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट ऐसा है, तो ये गलत है, एनाटॉमी नहीं पता है आपको, अपने शरीर के बारे में नहीं पता है, आप कैसे आप किसी को सिखा पाओगे, है ना, चीजें पता होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते सर हैं, एक जो भी क्वेश्चन और था लास्ट में पूछ लीजिएगा, इसको पहले जी खत्म कर सर। लेते हैं, जी जी सर एंड में, एंड में, एंड में, एंड, ओके चलिए, प्लीज लेट मी फिनिश दिस टॉपिक, जो बाकी है जो भी हमारे कुछ प्राणायाम उसको देख लेते हैं, देखो कहीं मुझे आप लोगों को लगे कि नहीं असर ऐसा नहीं है गलत है, तो आप प्लीज मुझे करेक्ट करा देना, ठीक है, कोई भी इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह के साक्ष्य हैं, कुछ नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे ही होगा, तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, स्वागत है, ठीक है, ठीक है शैलेश भी, जो लोग भी यहाँ पे बहुत पहले से इस चीजों को जानते हैं, इस विषय को जानते हैं, जरूर बताइए, चलिए फिर आगे हम देखते हैं कहाँ थे, 70 पेज के आसपास थे हम, जो योग तो जो समुंदर है, हर चीजें हर समय कुछ ना कुछ जो है मॉडिफिकेशन होती रहती है चीजें, लेकिन अपने जो मूल जो ग्रंथ यौगिक है ट्रस्ट है उसके बारे में जरूर जानना चाहिए, मैंने इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से ना चीजें थोड़ी सी बदल सी जाती हैं, समय काल देश परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाती है और होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है ना, ये देखो ये ग्रंथ कब लिखा गया था बताओ, कब लिखा गया था, कौन से शताब्दी के ग्रंथ, 14 14 सेंचुरी, टू 1450 से पता सर, सब, 1550। तो चीजें ना उस वक्त था और समय के साथ उस समय के दृष्टिकोण अभी का दृष्टिकोण बहुत बदल जाता है ना, आजकल देखो पहले थोड़ी यहाँ पे थेरेपेटिक में लोग
प्रॉप्स का यूज करते थे पहले, उस तरह का नहीं रहा होगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अब देखो अयंगर योगा आ गया है, चीजें कितनी सारी चीजें बदल गई हैं, तो मोडिफिकेशन हो गया है चीजें, तो ये भी ठीक है। चलिए, अथ भ्रामरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इसे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, तो आप इसको 5 स्टार कर लीजिएगा। और क्यों 5 स्टार है उसको अभी आपको जल्द पता चल जाएगा। क्या कह रहा है, वेगात घोषम पूर्णकम, वेगात घोषम पूर्णकम भृंगनादम भृंगीनादम रेचकम मंद मंदम योगिना योगिना इंद्रमा वेव अभ्यास योगाद चित्ते जाता काचिंदानंद लीला। अब क्या कह रहा है, देखो दो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, हाईलाइट कर रहा हूं मैं दो वर्ड्स, कौन सा देखो, भृंग नादम और भृंगी नादम, इसको कहते हैं भवड़ा, है ना, भवड़ा फूलों पे मंडराते हैं ना, भवड़ा देखा है ना आपने। यस yes. और एक होता है भवरी, भृंगी नादम को हम कहते हैं भवरी, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि वेग से घोषक्रम, मतलब वेग से, ठीक है, आवाज करना है, गुंजन करना है, वेग से गुंजन करते हुए पूर्कम भृंगनादम, जब आप श्वास लेते हैं तो उस वक्त कैसा आवाज आना चाहिए, भावड़े की आवाज आना चाहिए ना, भावड़ा की आवाज आना चाहिए जब आप पूरक करते हैं। जनरली हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, है ना, नॉर्मली हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त भावड़े की आवाज निकालते हैं छोड़ते वक्त, वो भावड़ा है कि भावड़ा है ना, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि भैया कौन सा साउंड है, किस तरह से आप वो आप करोगे, डिस्टिंग्विश करोगे कौन सा भावड़ा है कौन सा भावड़ी। ओके, वेग पूर्वक सांस लेते हुए भावड़े की आवाज निकालना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, ध्यान देना जहां सर्कल मार्क कर रहा हूं, ध्यान देना, वेग से मंदम मंदम धीरे धीरे, ठीक है। तो मंदम मंदम में क्या, आप ना ये सब कई चीजें पूछ देती हैं, मिलान में पूछ देगा, तो बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये वेग पूर्वक पूरक भवरा, तीन चीज याद रखना। अब नीचे का फिर तीन चीज याद रखना, भवरी रेचक मंदम मंदम धीरे धीरे, ओके, ये दो लाइन इंपोर्टेंट। अब इससे क्या होगा, जो योगी जन है जो साधक है इसके अभ्यास से क्या हो जाएगा, चित्ते जाता कदा वेरी, ये भी इंपोर्टेंट है कि जब इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, चित्त जो है काचिंदानंद लीला, मतलब आनंद से आनंद लीला, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है ना, चिदानंद कहते हैं ना, चित्त का आनंद है ना, तो वो हो जाता है चिदानंद स्वामी। ठीक है, मतलब क्या होता है, आपकी अपूर्व आनंद की प्राप्ति, आपका जो चित्त है आनंद से भर जाता है, आनंदमय हो जाता है, ओके, तो ये कह रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है भ्रामरी प्राणायाम, क्लियर है, बताओ बताओ आगे बढ़े फिर। जी जी सर, सर, यस सर, ओके, पूर्णकान्ते गाढ़ गाढ़तरम बद्ध्वा जालंधरम शनैः रेच, देखो ये मूर्छा, यहां तक भ्रामरी तक तो हम समझते हैं, करते भी हैं अपने व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन मूर्छा प्राणायाम एक बहुत सिद्ध योगी जो होते हैं ना वही लोग कर पाते हैं, इतना आसान नहीं है, इस बहुत गूढ़ प्राणायाम है, इसको समझना बहुत इतना आसान नहीं है। पूर्ण कांते गाढ़तरम बत्वा जालंधरम शनै रेच एत मूर्छाणाख्यम मनोमूर्छा सुख प्रदा, ये जो मन मूर्छा जो प्राणायाम है, ये मन को मूर्छा, देखो मन मूर्छा क्यों, जो मूर्छा मतलब क्या होता है, कहते हैं ना लक्ष्मण को जब बाण लगा था तो बेहोश मूर्छित हो गए थे वो, मूर्छित मूर्छित का मतलब क्या बेहोश हुआ, बेहोश बेहोश, बेहोशी बेहोशी, ऐसी अवस्था जब आ जाती है कि जैसे कि बेहोशी आ गया हो,
है ना, जैसे कोई भांग खा, मतलब कोई ऐसा नशा आ गया हो, बेहोश सा हो गया हो, है ना, इस तरह से। तो ये जो मन मूर्छा है ये सुख देने वाली है, समझ रहे हैं। और इसका अभ्यास कैसे करना है कि पूरकांते, पूरक के अंत में जालंधर बंध लगाना है ना। सांस को लिया बत्तवा जालंधर ही सनई, और जालंधर लगाया और सनई रेचैत मन मुझे। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, सांस लो जालंधर बंध लगाओ, और क्या करोगे, सांस को वायु का रेचक करोगे, कैसे, सनई धीरे से। यही है सुख को देने वाली मन मूर्छा, सुख देने वाली, है ना, क्लियर है। बस सिंपल है, बस याद रखो प्रोसेस, सर, इसके जलन बंद ज्यादा। के अंदर धीरे धीरे वो करना है, जलन बंद खोलने हाँ के बाद धीरे एग्जैक्टली धीरे। एग्जैक्टली, हम भी इस पे विचार कर रहे थे तो, लेकिन मुझे ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं हुआ कि जालंधर खोल के लेना, जालंधर बंद करके ही सांस को छोड़ना है, बंद लगाकर सांस छोड़ना है। इज अ डिफरेंस एक्चुअली, तभी इसको समझ। मूर्छा आती है सर, जालंधर तभी बंद में छोड़ेंगे तो ही मूर्छा होती है। इसलिए कहा ना कि ये, वायु कपाल में से निकलेगी तभी फर्क पड़ेगा, है ना? देखो मैंने क्या कहा शुरू में, ये जो बहुत गुड है, इतना आसान, ये देखने में बहुत आसान है। कहते ना कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, वैसे ही है मूर्छा प्राणायाम, देखन में छोटन है लेकिन इसका जो प्रभाव है बहुत गुड, मतलब बहुत विस्तृत रहे इसका, इतना आसान नहीं है। बहुत सिद्ध जन इसको ही कर पाते हैं, इतना आसान नहीं है सबके लिए इस प्राणायाम को करना। ठीक है जी, आगे बढ़ें। हाँ जी, अब प्लावनी, प्लावनी भी पूरा टक्कर देता है मूर्छा को, इतना आसान नहीं है। जैसे कि आपने कमल तो देखा होगा जी सर जी, और उसके पत्ते भी देखे होंगे, तब तो आपने हाँ जी सर जी, कमल के पत्ते देखे हैं। वो क्या कहता है, वो फ्लोट करते रहता है पानी पे, हाँ जी करता हाँ है ना जी फ्लोट, डूबता नहीं है वो। वैसे ही योगी का शरीर होता है, इस प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, वो फ्लोट करता है। कई लोगों को मैंने देखा है जैसे पानी में ना, वो से पद्मासन लगा के कई घंटों तक ऐसे करते रहते हैं, वो रुकते ही नहीं है। मैंने भी प्रयास किया था बट मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाया, मैं कुछ देर ही मैं कर पाता हूँ इसमें, अल्प समय तक। इसमें क्या, घंटों लोग इसमें रह जाते हैं पद्मासन में लगा के, और डूबते नहीं है वो, एकदम प्लावित हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स कहते हैं उसको साइंस में, कोई साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो उनको बियॉन्स पता होगा। फोर्स, हाँ जी, कौन उत्प्लवन, सा, उत्प्लवन बल, सही पकड़े हैं। तो कहते हैं अथ प्लावनी अंत प्रवृत्ति तो उद्दार मारुता पुरी तो उद्रह पश्य गादे अपि सुखात पलवते पद्म पत्रवत। अब देखो क्या कह रहा है इसमें कि आपको उदर को, पेट को भाई किससे भरना है, मारुत मतलब वायु से, पेट को पूरी तरह, पूरी तो उदरम, उदर को पूरी तरह से भर लो, हवा भर लो पूरी तरह से, पेट को फुला लो हवा से। ठीक है, खाना से नहीं, आप लोग सोच रहे हैं सर खाना ही खा लेते हैं, खान पेट भी भर जाएगा पेट भी फूल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, आपको वायु से भरना है, और फिर क्या करना है, बेड पे नहीं सोना, पानी में आना है आपको, जल में पस्य गादे अपि सुखात, मतलब पूरे, मतलब गाढ़े जल में, मतलब कि पूरे जो गहरा जो तालाब होता है या फिर कोई भी जल हो या फिर नली हो स्थिर, वहां पे स्विमिंग पूल भी चल सकता है, हमने स्विमिंग पूल में ट्राई किया था, तो स्विमिंग पूल पे भी आप इसका, जो बहुत गहरा हो वहां पे सुखात मतलब सुख पूर्वक आपको पलवते पत्रवत कमल के पत्ते के समान प्लावित होना है, मतलब तैरना है, तैरते रहना है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्लावनी। क्या समझे, आपको पेट में वायु को भरा, ठीक है, और गाढ़े जल में, बहुत डीप जल में सुख पूर्वक कमल के पत्ते के समान प्लावित, मतलब तैरना है, सिंपल यही है प्लावनी।
ऑलमोस्ट चल उनका क्लियर हो जाएगा। जो जो लोग जैसे तैरते हैं ना विदाउट सपोर्ट, जैसे पैर नहीं चलाते, उड़न खटोला जो तैरना होता है ना पानी पे सीधे तैरते रहते हैं, तो वो हाँ भी जी, 50% लेकिन इसमें उससे क्या, कवर हो जाता है प्राण। जो जिनको स्विमिंग आती है उनके लिए तो आसान है, लेकिन जी उसमें भी क्या होता है ना कि हम या तो हाथ को चलाते रहते हैं, पैर को चलाते रहते हैं। इसमें क्या इसमें क्या है कि सुख मतलब स्थिर रहना है, आपका शरीर स्थिर रहना चाहिए, मूव नहीं एक करना चाहिए। बिल्कुल मूव नहीं करता सर, एक स्थिति जो होती है ना सीधा लेट करके चित लेट जाते हैं, उस पर कुछ भी लेटता पार्ट मूवमेंट्स नहीं करते हैं, सिर्फ आप उधर पे सांस भरते हैं और डूबते नहीं है उसमें। हाँ, जैसे देखो एक आपको जैसे गुब्बारे में हवा भर दो, गुब्बारे में हवा भर दो और पानी में छोड़ दो, कैसे फ्लोट करता रहता है, डूबता नहीं है वो। बस वैसे ही है, हवा को भर लो पेट में, गुब्बारा समझो अपने आप को, छोड़ दो। ओके जी, क्लियर है। जी सर जी, कई इसलिए कई सिद्ध पुरुष जो हैं जैसे कि अयंगर जी का भी, और इनका पेट बड़ा ही अलग से एक्स्ट्रा हैवी लगता था, बाकी बॉडी तो स्लिम थी बट लेकिन इनका सिर्फ पेट इतना हैवी रहता है। ऐसे मैंने कई और योगियों को भी नोटिस किया है जो नहीं, बहुत वो बड़े बहुत योगी रहे। कई सारे हठ योगी को देखा, उनका पेट बाहर रहता है बाकी शरीर। जी, अरे मणिपुर चक्र जागृत अच्छा रहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है जी। चलो फिर वो आगे बढ़ते हैं। इसका क्या कह रहा है कि प्राणायाम, अब आगे कौन सा है हमारा, सिद्ध सही सहित है क्या, सहित है। ओके okay. सर सर सर, ये सच में मणिपुर चक्र जागृत रहते जहाँ आपने मजाक करा है अब आप लोग था सर्च करना क्या होता है, क्यों ऐसा होता है सर? अपने ऐसे आसपास। ऐसे अगर लेकिन अगर सर ऐसे किसी तो का विशुद्धि अगर विशुद्धि चक्र हुआ तो फिर तो उसका गला इतना मोटा आ जाएगा, और अगर आज्ञा चक्र हुआ तो अरे यार देखो, आप लोग था सर्च करना। सकते हैं वैसे, क्योंकि अधिकतर मीन्स आदमी ऑर्गन टू ऑर्गन आदमी डिपेंड करता होगा ना। का मणिपुर चक्र जागृत है समझ लो। एक काम करना, यहाँ पे कोई आश्रम व्यवस्था में रहे, यहाँ पे ये शैलेश जी रहते हैं, जो आश्रम व्यवस्था में रहे कोई कोई अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जहां पे हठ, जो योग का अभ्यास मतलब इस तरह से हो, हठ योगी हो, सिद्ध जन, उनका पेट तोंद निकला हुआ हो। मैं तो सर सिर्फ नोटिस किया हाँ सर, अभी देखा है, आपने। कई बार देखा है। आप सर्च करो, खोजो, कुछ कुछ आप लोगों के लिए भी है, फिर मैं बताऊं। ठीक है, ऐसे एक्चुअली मैंने यही प्रश्न एक बार मैंने पूछा था किसी से भी, तो सेम आंसर मैंने दिया था जो मैंने आप लोगों को दिया है। और इसमें कितनी सच्चाई है क्या है वो आप लोग एक बार खुद से भी सर्च करो, थोड़ा भटको, जब तक भटकोगे नहीं ज्ञान नहीं मिलेगा। तो सर जी, जो मैंने बीके अयंगर जी का जो पुरानी वीडियो देखी थी उसमें मैंने उनको बहुत बार नोटिस करा कि उनकी जितनी भी वीडियोस हैं पुरानी उनका निकला होता था, और जितने भी दूसरे योगी गुरु रहे हैं इवन सदगुरु जी का भी निकला होगा, और भी कईयों की मैंने नोटिस करा है कि उनके भी है, लेकिन कुछ ऐसे गुरु रहे हैं जिनका बिल्कुल चपटा हुआ है। ज्यादातर जो योगी रहे हैं उनका चपटा हुआ देखा है, और बहुत कम योगियों में देखा है जिनका निकला हुआ है, तो मुझे कभी देखो, रीजन समझ नहीं आया। अभ्यास अभ्यास के ऊपर होता है कि हम किस तरह का अभ्यास ज्यादा करते हैं। जहां तक मेरे लॉजिक का सवाल है, अगर आप पूरे शरीर और पूरे शरीर संवर्धन वाले एक्सरसाइज करते हो, है ना, शरीर संवर्धन वाले एक्सरसाइज करते हो, तो आपका शरीर उस तरह का रहेगा, मतलब ठीक है, पेट वाले कोर वाले इस तरह का कुछ है, अब डाइट है, कई सारे चीज हैं, ऐसा नहीं है। और या तो फिर जो लोग सिर्फ साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पेट या फिर इस तरह का कुछ, तो हो सकता है कि बाकी चीजें सिद्धि मिलती है, लेकिन पेट, लेकिन ऐसा नहीं है जिनका पेट निकला हुआ रहता वो रोगी रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उतना नहीं, मैं ही रोगी की फ्लेक्सिबल बात है। नहीं कर रही, नहीं मेरा हाँ, क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं था, पर मैं ये कह रही कि वो इतने बड़े योगी रहे बीके अंगर जी मैंने क्या प्लस। कहा अभी, हाँ वही जी, कहा ना, शरीर संवर्धन वाली एक्सरसाइज, आप किस तरह का, किस पे, अब हम बाइसेप्स का एक्सरसाइज करेंगे तो भाई बाइसेप बनेगा, ठीक है, कोर का एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा सिक्स एप बनेगा,
ठीक है, थाई का मतलब ये चीजें हैं, योग में भी इस तरह का है, आप करो उस तरह जी का, जी पुशअप मारो, हनुमान दंड करो, 12 दंड होते हैं, ठीक है, उस तरह का आप अभ्यास करते हो तो उस तरह से बॉडी वर्क करता है ना, हम जिस पार्ट का ज्यादा फोकस करेंगे उस वो पार्ट ज्यादा ग्रोथ करेगा हमारा, ऐसा हो सकता है। आप लोग भी थोड़ा सा देखो कि इसके विषय और क्या हो सकता है, क्या नहीं रीजन है। मैं सर तो ये सोचती एक्चुअली हूँ ना सर जी, व्यक्तिगत मुझे तो बॉडी के सिर्फ कंस्टिट्यूशन पे डिपेंड करता हाँ वो है, प्रकृति जैसे पे डिपेंड है। अलग तो और ऐसे दूसरी जो बात स्वामी योग की विवेकानंद बात जी की का भी जाए, था, क्या कह रहे हैं सरेश भाई, लास्ट में करते हैं इस पर डिस्कस, है ना, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर थोड़े से लास्ट में किया जाए, पूरे समय रहता है अपने पास। ठीक है जी, आते हैं सिलेबस पे आते हैं। पहले तो प्राणायाम स्थिरता प्रोक्तो रेच पूर्ण कुंभकई सहित केवल चेति कुंभको द्विविधो मता यावत केवल सिद्धि स्याद सहितम तावत अभ्यसेत। भैया देखो बड़ा अच्छा मतलब है ये, सहित इसको समझना है, क्वेश्चन बनता है इससे भी, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा हुआ भी है। देखो प्राणायाम के 3 विधि बता दिया इसमें, क्या क्या, पहले तो रेचक पूरक कुंभक। अच्छा बताओ पतंजलि योग सूत्र पढ़े होंगे आप, उसमें कौन सा प्राणायाम की चर्चा है? सिद्धासन अरे प्राणायाम पूछ रहे हैं, से प्राणायाम की परिभाषा चार दे रही प्रकार थी, के पूरक बताए रेचक रेचक कुंभक कुंभक रेचक कुंभक कुंभक पूरक, चार कुंभक। प्रकार ना, चार तरह के हैं, चौथा भी बताया गया सर, इस स्तंभ वृत्ति का जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार रोकने वाला, केवल कुंभक चौथा विषय वाला। क्षेपी चतुर्था। हाँ जी विषय, ये दिख रहा है इस पर स्क्रीन दिख रहा है, पहले ये बता दो गायब तो हाँ नहीं हो जी, गया? चलो यस ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि 3 विधि बताएं, जब आप प्राणायाम करते हैं तो 3 विधियों का तो अभ्यास करते हैं, या तो सांस लो सांस छोड़ो सांस रोको, है कि नहीं, यही तो 3 विधि है, यही प्राणायाम के 3 विधि बताया है। और इसमें कह रहा है कि सहित केवल चेती कुंभको, और फिर क्या है सहित में, क्या है द्विविधियों का मत है सहित प्राणायाम में, क्या क्या कह दिया, सहित कुंभक और केवल कुंभक, कुंभक के 2 प्रकार बता दिए उन्होंने, है ना, सहित और केवल। सहित क्या होता है, केवल क्या होता है, वो हम अगले वाले से। और इसमें क्या कह रहा है थर्ड वाला, इसको ध्यान देना क्या कह रहा है थर्ड वाले लाइन में, यावत केवल सिद्धि स्यात सहितम तावत अभय, जब तक कि केवल प्राणायाम की सिद्धि ना हो जाए तब तक आपको सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए, समझो बात को। आप सोच रहे हो सर इसमें कह रहा है जब तक कि केवल की सिद्धि ना हो जाए तब तक सहित का अभ्यास करना चाहिए, दोनों में के बीच क्या संबंध है? भैया संबंध है, हम आगे आपको दिखाते हैं क्या संबंध। सहित अतः सहित रेच का पूर्ण का कार्य स, ये थर्ड वाला लाइन ना ध्यान रखना, ये पूछ देता है कई बार भी, यावत केवल सिद्धि स्यात सहितम, या उल्टा भी कर सकता है क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ध्यान है जब तक कि केवल की सिद्धि ना हो जाए ना कि सहित की, पहले केवल की सिद्धि जब तक नहीं हो जाए तब तक आपको क्या करना है सहित का अभ्यास करते रहना है। तो पहले किसका अभ्यास करना है भैया, सहित का अभ्यास करते रह जाओ, सहित का अभ्यास करोगे तब जाके ही केवल की सिद्धि मिलेगी, ठीक है, तो सहित का अभ्यास करते रहना। ओके सहित के बारे में जानते हैं क्या होता है, रेचक पूर्ण का रेचक पूर्ण का कार्य स वै सहित कुंभ का, जब आप कोई भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिसमें रेचक और पूरक के साथ किया जाए वो सहित कुंभक हो सकता है, होता है भाई, पीछे के जितने भी प्राणायाम देखे ना आपने, ठीक है वो सारे ही सहित कुंभक है कि नहीं है, सब में भाई हमने रेचक का पूरक किया है, जी इससे आपको क्या तात्पर्य मिला कि वो सारे ही सहित के प्रकार हो गए, हुए कि नहीं हुए बताओ, सहित के अंदर ही तो आया, आया कि नहीं आया, यस सर, वही कह रहा है कि रेचक पूरक के साथ जो किया जाए प्राणायाम वो सहित कुंभक है, और जस्ट इसका रिवर्स,
केवल रेचकम पूर्णकम मुक्त्वा सुखम सुखम यत वायु धारणम प्राणायामो अयम मित युक्त स वै केवल कुंभक। कह रहा है कि जो रेचक पूरक से मुक्त हो जाए, ये सबसे उत्कृष्ट, रेचक पूरक से मुक्त हो जाए मतलब भाई सांस न लेना न छोड़ना, उससे मतलब उसको उससे परे चले जाए, है ना। सुखम यत तो वायु धारण, और वायु को होल्ड करना सुखपूर्वक, ऐसा नहीं फोर्सफुली, सुखपूर्वक आपको वायु का धारण करना है। धारण करते हुए बिना रेचक और पूरक के जो वायु को धारण करता है, ठीक है, इस प्रकार के प्राणायाम को, प्राणायामो एम, इस प्रकार के जो प्राणायाम को हम क्या कहते हैं, केवल कुंभक कहते हैं, जिसमें हमें सांस लेने और छोड़ने पे फोकस नहीं, वो मुक्त हो जाते हैं, उससे हम परे चले जाते हैं, और तब भी हम वायु को धारण करते हैं अपने अंदर बिना सांस लिए छोड़े, ठीक है। ये बहुत जो हठ योगी सिद्ध योगी होते हैं ना, वही इसका अभ्यास कर पाते हैं, हमारे जैसे निम्न योगी के बस की बात नहीं है इसका अभ्यास करना। क्लियर है जी? सर अब इसको मत कह देना कि सर इसका प्रैक्टिकल करके दिखाओ आप, ठीक सर है। सर प्लावनी आ सकता है क्या केवल कुंभक प्लावनी का क्या था, पहले विधि बताओ, प्लावनी का विधि क्या था? उसमें उदर में पूरा वायु धारण करते थे? अब भैया यहाँ पे क्या है, नहीं आए ऑब्वियसली रेचक पूरक से मुक्त है भैया, वहां पे तो हम ले रहे हैं ना, मुक्त कहाँ हुए वहां, हमने तो सांस भरा, समझे, जी सर बस सिंपल सी बात है। ये कोई भी प्राणायाम के अंतर्गत आएगा ही नहीं, मैं आपको स्पष्ट कह दे रहा हूं, जो हमने पहले जितने भी प्राणायाम देखे कोई प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आएगा, केवल उससे परे हो जाता है। पर सर केवल कुंभक में या तो हम इनहेल करेंगे तब कुंभक लगाएंगे या तो हम एक्सहेल देखिए करेंगे तो कुंभक लगाएंगे, कोई ना कोई तो लगेगा इसके अंदर, फिर केवल कुंभक कैसे लगेगा? वही चीज कह रहा हूं कि बिना यहां पे मुक्त हो जाना है, सांस लेना ना छोड़ना कुछ नहीं, फिर भी वायु को धारण करना है अपने शरीर के अंदर अंदर, ठीक है, इसलिए। ऐसा कह सकते हैं सर सांस आधी भरी हुई आधी आधा 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 सांस है हमारे शरीर में, ना पूरा भरा ही हुआ है ना ही पूरा खाली है, तो एक जगह जहां ठहर गए वहां ठहर गए। हाँ कह सकते हैं, मतलब कि सांस आपको देखो ना लेना है ना छोड़ना है, म्यूट कर लीजिए एक बार, ठीक है, ना सांस लेना ना छोड़ना, बस जहां है वहीं रुक जाना, होल्ड कर लेना जो भी चीजें, जो भी वायु आपके अंदर है बस उसको रोक लो, ना सांस लेके होल्ड करना ना सांस छोड़ के, बस स्थिर हो जाना। ये समाधि की एक प्रकार से समझ लो ना, कि बहुत समाधि की अवस्था हो जाती है, जहां तक तो मुझे लगता है, उस वक्त सर पता ही ऐसे नहीं बोल होता रहे हैं कौन। ना कि इंटेंशनली नहीं करना है हमको, अपने आप अगर होता है तो ठीक है, मतलब हाँ जानबूझ इंटेंशनली नहीं के नहीं करना, करना है, पूरक भी नहीं करना है, रेचक भी नहीं करना है। अगर ऐसे होता है हाँ कि आपने हाँ सांस ले लिए और अपने आप हो जाता है कुंभक तो ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि सांस छोड़ दिए या बीच में ही आधी सांस है पेट में हमारे उदर में और बीच में ही कुंभक लग जाता है तो भी वो केवल कुंभक कहलाएगा। हाँ हो सकता है, मतलब तो आपको ब्रीद उस चीज होल्डिंग का है ये एक भान तरह की हो ना जाएगा। सर? देखो इस उस वक्त ऐसी अवस्था जिस वक्त आपको सांस लेने और छोड़ने का भान नहीं रहता, कि हम सांस लिए भी हैं या छोड़े भी हैं, आप उससे मुक्त हो चुके हो और होल्ड हो चुके हो, एक अवस्था हो गई। आगे के श्लोक में स्पष्ट है आगे। देख लो, हाँ चलो ठीक है भैया, सही कह रहे हो आप। कुंभके केवले सिद्धे रेचक पूर्क वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। अच्छा तीनों लोकों में ओके दुर्लभ नहीं हो जाता, ओके, ये लाभ बता दिया, ये लाभ दे दिया इसमें, देख लो और कह आगे रहा है। अब रेचक पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध, अब हाँ देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेचक पूरक से रहित है ना, रेचक पूरक से रहित, रेचक पूरक वर्जिते से रहित जो सिद्ध हो जाता है केवल कुंभ, उस वक्त क्या होगा,
मतलब ये जब सिद्ध हो जाता है ना, जब सिद्धि की अवस्था ही है, तो मैं क्या हो ना कि आप कह ना कि आपको श्वास लेने और छोड़ने का बिल्कुल भान नहीं होता, मतलब आप सिद्ध हो चुके हैं, श्वास पे कंट्रोल हो चुका है बिल्कुल, देखो ये कीवर्ड कंट्रोल हो चुका है आपका बिल्कुल भी ना, हम सांस लेना छोड़ें, आपके ऊपर मतलब प्राण वायु के ऊपर कंट्रोल हो जाना, ठीक है। आप जब कह, पहले हमने क्या कहा था कि जब जिसको सिद्धि प्राप्त हो जाता है प्राण पे, है ना, तो क्या होता है आपके वायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाती है और जो भी मल है हमारा जमा हुआ सुषुम्ना के पास वो हट जाता है और ब्रह्म रंध्र तक जाता है प्राण वायु, कहते हैं ना कुंडलिनी का वो मतलब जागरण हो जाना, यही तो है प्राण वायु का कंट्रोल हो जाना, जब कंट्रोल होगा वो केवल में ही हो जाता है, मतलब कि रेचक पूरक से रहित केवल कुंभक जब सिद्ध हो जाता है, जो केवल कुंभक है वो सिद्ध जब हो जाएगा तो क्या होगा, तीनों लोकों में कुछ भी आप पा सकते हो, मतलब कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, तीनों लोकों में आप कुछ भी पा सकते हो, ठीक है, कुछ भी आपके लिए दुर्लभ नहीं है, ऐसा कुछ भी संसाधन नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं, सिद्धि की अवस्था हो जाती है ये, ठीक है जी। आगे देखते हैं, शक्त केवल कुंभकेन यथेष्टम वायु धारणात राज योग पदम च अपि लभते नात्र संशय। आप कह रहे हैं कि ना इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी संशय नहीं है कि आप जो है केवल कुंभक का अपनी आप सामर्थ्य के अनुसार, जो केवल कुंभक करता है अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है, जो वायु को धारण करता है उसको राजयोग की प्राप्ति ना हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है, जो साधक है ठीक है वो अपनी इच्छा अनुसार जो धारण करता है, अपनी क्षमता अनुसार शक्त जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो केवल कुंभक करता है वायु को धारण करता है उसको राजयोग की प्राप्ति प्राप्त होने में इसमें कोई संशय नहीं है उस, ठीक है ये कह रहा है, उसको राजयोग की प्राप्ति हो ही जाती है, मतलब केवल कुंभक से समझ लो कि राजयोग की प्राप्ति किया जा सकता है। ओके, इसके आगे क्या कह रहा है, अब देखो आगे आप की आगे जब राजयोग की प्राप्ति होगी तो सीधी सी बात है भाई, मतलब कुंडलिनी का बोध होना है ना, हट यही सिद्धि बताया है, हट आपने देखा था ना कि हट सिद्धि के लक्षण क्या होता है, तो यही है, कुंभकात कुंडली बोधा कुंडली बोध तो भवेत अर्ण अनर्गला सुषुम्ना, अनर्गला मतलब जो मल रहता है ना जमा हुआ सुषुम्ना में, वही कह रहा है अनर्गला सुषुम्ना न च हट सिद्धिश्च जायते, जो भी जमा हुआ है सुषुम्ना में मल वो मल रहित हो जाता है सुषुम्ना, अनर्गला सुषुम्ना मतलब मल रहित हो जाता है, अनर्गला मतलब होता है मल रहित सुषुम्ना हो जाता है, हट सिद्धि प्राप्त होता है किसके अभ्यास से, मतलब कुंभकात कुंडली बोध, इस कुंभक के अभ्यास से कुंडली का बोध होता है, कुंडली का जागरण होता है और कुंडली के जागरण हो जाने से, कुंडली का जागरण हो जाने से सुषुम्ना में जो मल है वो रहित हो जाता है, मल नाश हो जाता है और सिद्धि होता है, हट सिद्धि जायते, मतलब हट सिद्धि मिलती है। ओके जी समझ गए, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो श्लोक है आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट श्लोक ये, आप आपको याद होने ही चाहिए, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हट के बिना राज, राज के बिना हट, याद है ना, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ न सिद्ध्यति ततो युग्म निष्पत्ति समभ्यसेत, कि हट हट बिना राजयोग प्राप्त नहीं हो सकती, राजयोग के बिना, इसीलिए कह रहा है दोनों युग्म मतलब दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि सिद्धि न मिल जाए। ओके जी, दोनों का अभ्यास करते रहना है जब तक कि सिद्धि न मिल जाए, क्यों, क्योंकि राज हठ योग के बिना राजयोग की प्राप्ति न राजयोग के बिना हठ योग की प्राप्ति संभव नहीं है,
सर आप वॉइस लोग ब्रेक हो रही है। हो रही है बताओ सर वॉइस सर ब्रेक हो रही वॉइस है। ब्रेक हो रही है। सर खोल दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ अभी आ जाए नेटवर्क। अभी ठीक है, चलो जी ठीक कैसे है। प्रावधान एवं अभ्यास बिना फिर से हो रही राजयोग है। पदम सर तो अब भी ब्रेक हो रही है। हो जाए। क्या कह रहा है इसमें, कुंभक हम करते हैं उससे क्या होता है, मतलब कि हम जब कुंभक का अभ्यास करते हैं तो उससे प्राणवायु पर कंट्रोल होता है, कंट्रोल मतलब रोक लेते हैं। जब कुंभक के द्वारा जब प्राणवायु को क्या होता है, चित्त जो है निराश्रय मतलब आश्रय रहित हो जाता है। समझ गया जी, ब्रेक हो रही है अब ठीक है सर। हाँ ब्रेक। हाँ जी बहुत बढ़िया। देखो जो कुंभक के अभ्यास से जो हमने प्राण को रोक लिया, जब प्राण रुक जाता है तो क्या हो जाता है, चित्त का चित्त निराश्रय निर्मल हो जाता है, चित्त मतलब आश्रय रहित हो जाता है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेति, याद है कुछ ये श्लोक, याद है कहाँ पढ़ा है आपने ये श्लोक बताओ, सेकेंड नंबर कहाँ पे सर, पढ़। फर्स्ट द्वितीय चैप्टर के उपदेश सेकेंड सर, श्लोक, द्वितीय द्वितीय श्लोक अध्याय के द्वितीय श्लोक। उसमें कहा था ना कि प्राण के चलायमान से हमारा चित्त चलायमान हो जाता है, और चित्त प्राण के स्थिर होने से हमारा चित्त भी स्थिर या निर्मल हो जाता है। वही तो कह दिया, प्राण का निरोध कर दिए भैया, चित्त निराश्रय हो गया, आश्रय रहित हो गया, निर्मल हो गया। अभ्यास से क्या होगा, ठीक है, राजयोग की प्राप्ति होगी। ओके ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद होने ही चाहिए, श्लोक याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। वो कृत संतान मैंने मले आरोगता बिंदु जयो अग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। यह कह रहा दीपू कृष्ण, मतलब आपका शरीर जो है हल्का पतला हो जाएगा, है ना कृष्ण, मतलब हल्कापन से समझ लीजिए या पतलाप से समझ लीजिए। वदने प्रसन्नता, आपका मुख जो है प्रसन्न हो जाएगा। नाद नाद मतलब क्या होता है, साउंड होता है ना, बताया था ना आहत नाद अनाहत नाद, है ना, नाद के बारे में साउंड। तो स्फुट का मतलब आपके जो नाद मतलब स्वर है ना, आवाज जो है एकदम सशट हो जाएगा, मतलब क्या भैया लता मंगेशकर के जैसा हो, मतलब अच्छा हो जाएगा। एक आवाज में जो रहती है ना, एक योगी का आवाज आप समझो, उसकी आवाज में ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि क्या आवाज है, आप उनके आवाज से ही खींचे चले जाते हो। योगियों के आवाज जो होते हैं ना, आप उनसे प्रभावित हो जाते हो, बोलने मात्र से उनके पास बैठ के सुनने लग जाते हो। नयने सुनिर्मले, आप देखना योगी के उनके नयन जो होते हैं ना, एकदम निर्मल निश्चल है ना, सुंदर रहता है। आरोग्यता बिंदु जयो, आरोग्यता आती है, कोई रोग नहीं आता, रोगों का अभाव सा हो जाता है, बिंदु जय हो जाएगा, बिंदु पे जय। बिंदु का मतलब क्या होता है, किसी को पता है बिंदु? जो हमारे हाँ शब्द जी का सर, अर्थ होता चंद्रमंडल है। जो टपकने वाला रस होता है जो हाँ हमारी जी, जिंदगी जिंदगी को बचा के रखता है। को बचा के रखता है। और वही तो देखो क्या होता है ना, कि ऊपर ऊपर क्या होता है भैया, चंद्रमंडल
और हमारा नाभि में क्या होता है, सूर्यमंडल, सूर्य चंद्रमंडल से जब ये स्राव नीचे की तरफ जाता है ना, टपकता है, तभी तो हम कुंभ लोग स्राव कौन सा मुद्रा लगाते हैं बताओ, ताकि इसका हम पान कर केशरी मुद्रा, पाए। विपरीत रीत करनी मुद्रा, मुद्रा या केशरी मुद्रा। अच्छा मुद्रा, विपरीत विपरीत कर कर बना सकते हैं, और खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा से आप क्या करते हो, उस बिंदु का पान करते हो ताकि अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए, है ना जी। खेचरी मुद्रा लगाते हैं, खेचरी मुद्रा का विस्तृत वर्णन आपको वहां भी मिला होगा ग्रंथ संहिता में, जो हम दोहन करते हैं, चालन करते हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ कह रहा कि बिंदु पे जय पा लेते हैं, जो हमारा जो बिंदु श्राव हो रहा है चंद्रमंडल से, उस पे जय पा लेते हैं अभ्यास से, ठीक है। वो भस्म नहीं होता हमारे, जो नाभि में जाके, जो सूर्य में मंडल में जाके भस्म हो जाता है, वो नहीं होता। अग्नि प्रदीप नाम, आपकी जो जठराग्नि है, 13 प्रकार का बताया था ना जी, है, 7 धात्वाग्नि, 5 पंचाग्नि और 1 जठराग्नि, वो प्रदीप्त हो जाएगा जठराग्नि, उसके बारे में कह रहा है। नाड़ी विशुद्धि, आपकी जो नाड़ी है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। हठ सिद्धि लक्षणम, और ये क्या है, हठ सिद्धि के लक्षण बता दिए, ठीक है, याद होने चाहिए हठ सिद्धि के लक्षण कौन कौन से हैं, ये सारे याद कर लेना। ये था हमारा, अब हम देखेंगे तृतीय उपषेध, पढ़ा तृतीय उपदेश, नहीं नहीं सर, पढ़ाऊंगा आज मैं। वॉइस बहुत ब्रेक। चलो ठीक है भाई, आप लोग की देखते हुए किसी और दिन, जब मैं टेस्ट तीनों कब पढ़ा लोगे आप दूंगा, इसका? टेस्ट इसी वीक में लूंगा, सैटरडे को देखता हूँ, सैटरडे को लूंगा, तैयार रहना। कुछ क्वेश्चंस प्रथम उपदेश से भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है द्वितीय उपदेश से भी रहेंगे, ठीक है। और जब हमारा लेक्चर सारा हो जाएगा तो हम 3 घंटे का लेक्चर लेंगे पूरे हठ प्रदीप का को समाप्त, कोशिश करेंगे 3 घंटे, देखते हैं होता है, ठीक है। ऐसे पढ़ जाओ ना कि मतलब हठ प्रदीप का को चाट जाओ, कहीं से कुछ भी पूछे भाई, टंग होना चाहिए। ओके जी, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मैं सर समझ में ये आया। श्लोक नंबर 76 बताना सर एक बार। 76 में क्या है, हठ, ये है क्या, हठम बिना राजयोगो, जी 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 राजयोगम बिना हठा। चलिए शैलेश जी भाई बताओ, आप क्या समझे, देखो तो सही कितना लोग समझ रहे हैं, बताइए। 76 नंबर श्लोक जो है उसमें दिया हुआ, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ है न सिद्ध्यति ततो युग्मना निष्पत्ते समभ्यसेत। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निष्पत्ति अवस्था या फिर राजयोग या फिर समाधि भी कह सकते हैं, अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब दोनों को सम लेके चलते हैं। दोनों को ही अभ्यास करना है, ऐसा नहीं है कि आप हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं कि राजयोग छोड़ दे रहे हैं, अब वो तो मिल ही जाएगा, हठ योग कर रहे हैं राज तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका भी अभ्यास करना है, पैरेलली दोनों चलते हैं एक साथ, ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरा है वो, समझ रहे हैं। ये जो शरीर है, राजयोग का अभ्यास कैसे, मतलब उसकी कोई वो बताएगी? ये तो ऐसा बोलते हैं ना यार, राजयोग मतलब निष्पत्ति अवस्था, समाधि की अवस्था, तो हठयोग तो वहां तक जाने का रास्ता है। उसकी क्या विधि है? राजयोग को वो साथ साथ में करना है तो कैसे करें? कैसे करें भैया, चले से बताओ। सर एक्चुअली अगर इन्होंने पेज नंबर स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो उन्हें ये पता चल गया होगा कि जो राजयोग की बात की जाती है वो मानसिक स्तर पे होती है और हठ योग की बात की जाती है शारीरिक स्तर पे। तो शारीरिक स्तर पे जब हम हठ योग करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर व्यवहार में, हमारे बातचीत में, जो हठ सिद्धि के लक्षण दिया हुआ 78 नंबर श्लोक में, वो सारी चीजें अपने आप दिखने लगती है, जो कि माइंड लेवल पे चीजें होती हैं, तो उस तरह से परिवर्तन होता है, वह इसके लाभ है राजयोग के।
अच्छा ठीक है, अब मेघा जी से ही मैं इनका आंसर ले लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ मेघा जी, आप जो है चाहे षटकर्म हो या आसन करते हो, सिर्फ आसन का अभ्यास करते हो, ध्यान का अभ्यास नहीं करते? नहीं, सर समझ में आ गया। करते हैं सर, वही मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से तैयार होना है, वो है। करते हैं ना, दोनों ही करते हैं हम, सारी मतलब जी सारी एस्पेक्ट को लेके साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आसन ही करते हैं, प्राणायाम नहीं छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मेडिटेशन करते हैं आसन छोड़, नहीं, आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बस आसन का भी प्राणायाम, प्राणायाम का भी प्राणायाम करना है, सिर्फ ध्यान नहीं लगाना। अगर आप ध्यान लगाओगे तो हठ सिद्धि भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, मतलब दोनों ही पैरेलल चलता है, इसके बिना वो, उसके बिना वो, ऐसा ही है ना। चलो भी एक दो जी क्वेश्चन सर। हम पूछ लेते हैं, नहीं तो सब रुखसत हो रहे हैं, भी लेक्चर तो हो गया भागो, नहीं तो भी सर क्वेश्चन पूछेंगे। अगले चलो अटेम्प्ट में पता लग जाएगा सर इनको क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, गौरव भाई माइक अनम्यूट कीजिए, आप ही बताइए हाँ जी सर बताओ। आज हमने कौन सा प्राणायाम देखा। हमने सर आज हमने प्लावनी देखा, जिसमें आपने बताया कि पत्र की समान पानी पर जो हम। नाम बताओ ना, हाँ अरे जी नाम हाँ, बताओ, अरे नाम बताओ, नाम बताओ, अरे नाम बताइए। भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, इनका डिस्कस किया था। भस्त्रिका को हमने रिपीट किया था। ठीक, बहुत बढ़िया, नेहा जी बताएंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है। ठीक पूरक करते हुए भंवरे के समान वॉइस आनी चाहिए और रेचक करते हुए भंवरी के समान जो है वो वॉइस आनी चाहिए। है, इन्होंने क्या मिस्टेक किया है काजल जी, बताओ आप। वेग और मंद मंद यूज नहीं किया। काजल जी हैं आप, मैं ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल, सबकी बारी आएगा। हाँ जी बताइए इसका सर लाभ इसमें बता। पूरक के बाद जब रेचक करना है तो उसको धीरे धीरे रेचक करना है, और इसके लाभ है सर चित्त में अपूर्ण आनंद लीला की प्राप्ति होती है। वेग से इनहेल एक्सहेल मंदम मंदम, स्लोली स्लोली, है ना, शनि शनि, ये तीन वर्ड मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई पूरक, भवरा और वेग एक साथ, इसका भवरी रेचक मंद मंद, ठीक है जी। सर इसमें षडमुखी मुद्रा के बारे में नहीं बात करिए, मतलब नहीं करिए, किस नहीं तरह से करिए, करना है। नहीं करिए, षणमुखी मुद्रा को दूसरा नाम क्या बोलते हैं बताओ, इसी बात पे देखते हैं आप लोगों का दूसरा नॉलेज कैसा है, षणमुखी का दूसरा नाम क्या है, रेणु जी बताइए। हाँ जी, हाँ संतोषी जी क्या बोल रहे हैं, सन्मुखी मुद्रा को और कैसे कर दिख। सेंटर में उसी को योनि मुद्रा का वो बताएं। हाँ जी, हाँ जी, योनि मुद्रा, बहुत बढ़िया। चलो मूर्छा, मूर्छा का आप बताएंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा, अनीता जी बताइए। हाँ जी सर, मूर्छा, मूर्छा, मूर्छा पूरक करने के बाद दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंध लगाना है, और जालंधर बंध लगाने के बाद धीरे धीरे वायु का रेचन करना है, मतलब धीरे धीरे वायु। इसका लाभ बताइए। सर उसका लाभ नहीं याद है। लाभ सीमा जी बताएंगे, सीमा जी बताइए फटाक से जल्दी से, कोई मैसेज नहीं कर रहा आज, क्या बात है, कीपैड खराब हो गया क्या, मैसेज कोई नहीं आ रहा किसी का। हाँ जी अब आया मैसेज, बताओ बताओ सीमा जी की आवाज नहीं, सात्विक बताओ आप। सर बताती हूँ मैं। मनोमूर्छा की स्थिति प्राप्त होती है। सर हाँ मन मूर्छा क्या मतलब, कैसा होता है वो, दुख देने वाला होता है, सुख सुख देने वाला, यही ना सर, सुख देने वाली देने, स्थिति अच्छा प्राप्त होती है। सुख देने वाला है, फिर चलो मान लेते हैं आप कहते हो तो। पलावनी बताएंगे, परिका जी बताओ पलावनी। जी सर जी,
लावणी में है कि पहले तो हम उदर में पर्याप्त मात्रा का हम वायु अच्छे से भर लेंगे, जितनी पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद साधक जो है वो जल में रहेगा और जल में कमल पत्र के समान वो फ्लोट कर सकते हैं। और रेचक, पूरक और कुंभक से प्राणायाम 3 अंग के कहे गए हैं, इसी प्रकार इसको करना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट। इस समय दो लाइनें इकट्ठे लिख दी हैं तो मेरे को समझ नहीं आ रही इसी के साथ ही या किसके साथ ही, सॉरी सर। जो 3 विधि बताया ना प्राणायाम, वो अलग है कि 3 जो रेचक पूरक कुंभक बताया है, और चलो सहित के बारे में बताएंगे। सात्विक बताओ जी सहित, ये सहित में आया है ना, वो अलग था प्लावनी है, सहित के बारे में बताओ। हाँ कनिष्ठ बताइए। सर, सहित कुंभक में पूरक और रेचक जो क्रियाएं हैं वो साथ साथ चलती हैं, तो जितनी भी प्राणायाम है, अभ्यास है, उसमें सब में पूरक और रेचक की क्रियाएं चलती हैं, तो इसको ही सहित कुंभक कहा जाता है। लेकिन जब हम पूरक रेचक को रोक देते हैं तो बस अब किसी और को। सोहन जी बताइए, केवल कुंभक। सर, जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, श्वास लेने का मन करता है ना छोड़ने का, अपने आप अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मन नहीं करता मतलब ऐसी कंडीशन है। आ जाती है कि ना श्वास लेना है ना छोड़ना है, मतलब बिना चलो श्वास लिए रुक सकता है बंदा, जीवित रह सकता है योगी। ठीक है। इससे क्या होगा, सर लाभ बताइए, समथिंग लाइक समाधि वाली स्थिति आ जाएगी। इसका लाभ बताइए। लाभ नहीं ध्यान आ रहा सर सुनीता जी कुछ बताओ, भी। लाभ बताओ। टाइप करो ना, टाइप करो, मैं देख रहा हूं गौरव। सुनीता जी बताइए। बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, सबका मैसेज आ रहा है, काजल, प्रियंका, रूपाली जी, बहुत बढ़िया, किरण, गुड। सुनीता जी को नई आवाज पहुंच रही है मेरी। स्वप्निल, जी सर आशिमा, बोलिए। बस स्वप्निल बताइए, लाभ बताओ फटाक से, जल्दी से, टाइम नहीं है, सर मुझे क्या याद नहीं है। आशिमा बताइए, इनको इनको क्या याद नहीं है, कि आपको भी याद नहीं है। आशिमा, आशिमा जी तक सर, मेरी आवाज। जी हाँ जी सर बताओ। सर राजयोग की प्राप्ति सर, मेरे को तो इतना ही अभी सुना मैंने। अच्छा, यही सुना, चलो बढ़िया है। इसको कंप्लीट कौन करेगा, तो रूपाली जी बताइए, कंप्लीट कर दीजिए इनको आप, लाभ को। राजयोग की प्राप्ति, हाँ जी, बहुत बढ़िया, आगे। तीनों लोकों में कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है जी, ओके। और सिद्धि भी मिलता है ना कुंभक के, है ना, हट सिद्धि, यही तो है, हट सिद्धि मिलता है। सुषुम्ना का जो मल जो रहता है वो गायब हो सुषुम्ना जाता है, ये सब चीज बोलना है कि नहीं, ये सब चीज सारे आते हैं, कुंडलिनी का बोध हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब जो है आप बताएंगे हट सिद्धि के लक्षण, देखते हैं कितने लोग टाइप करते हैं। अभी कोई नहीं माइक अनम्यूट करेगा, फटाफट फटाफट टाइप करो, देखते हैं पहले कौन टाइप करता है हट सिद्धि के लक्षण। बहुत लोग तो पहले ना टाइप भी कर लेते हैं, अब तो यही क्वेश्चन आने वाला है सब, तो पहले टाइप कर लो। अरे एक नहीं, सारे एक साथ लिखने हैं चाहिए, सात्विक, गौरव, हल्कापन, नहीं, एक साथ लिखो, एक साथ। जिनका पहले टाइप हुआ उनके लिए आज सरप्राइज है, पूरे एक भी नहीं होना चाहिए कमी उनको, आज मैं एक मौका दूंगा सरप्राइज। एनीवन, एनीवन, फास्ट फास्ट। परीका जी का है, लाइटनेस वेज, हैप्पी गुड फॉर आई, तेजस नरोग। परीका जी का कोई, ठीक है भैया, देख लो मैं, कंप्लीट किनका करो करो करो, फटाक से करो, एक भी कम हुआ तो बड़ी
बड़ी शुद्ध क्या होता है परिका जी, मैसेज देखो आप क्या लिखे हो। वो सर बड़ी का नाड़ी का हो गया, बड़ी नाड़ी का। नाड़ी शुद्धि, बिंदु कंसोल नौ रोग जठराग्नि जी, ठीक है जी, सच कमाया बहुत बढ़िया कर। यस यस, करते रहो करते रहो, कोई बात नहीं है कहीं भी। चलो भैया, वैसे परीक्षा जी का आ गया है, ठीक ही है उनका गुड वॉइस आई थिंक। ओके चलो, सर श्लोक किन किन को याद है ये भी देखो ना, श्लोक भी तो याद होना चाहिए। श्लोक कल सुनूंगा ना। उसके वो आज पढ़ा है ना इसलिए। हाँ कोई बात नहीं है, कल सुनूंगा श्लोक आप लोगों से। चलिए परीक्षा जी, आप चलो, आपका पहले मैसेज था तो आपके लिए एक सरप्राइज है कि आप शांति पाठ करा दो, शॉर्ट ठीक है सर जी, चलिए में करा दो शांति पाठ। चलिए सर। समय गर्दन सीधी करके बैठ जाए, आंखें कोमलता से बंद, परमात्मा का ध्यान करें। आज की कक्षा में हुआ एक एक पाठ को मनोमन दोहराएं, सिर्फ नाम से गुजरते चले जाएं। जिस शुद्धता से आपने अपने पाठ को, अपनी कक्षा को, आपने उसका अध्ययन किया है, उस शुद्धता के साथ अपने कर्मों को, अपने परमात्मा को दे दीजिए। पूरे दिन के किए हुए हर कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। अपने मन को, अपने आप को धन्यवाद दीजिए जीवन का, सुख का। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, परमात्मा का ध्यान करेंगे। 3 बार ओम तत्पश्चात गायत्री मंत्र करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को मिला ले नमस्कार मुद्रा में। अपने लिए, पर्यावरण के लिए, अपने माता पिता के लिए सुख की कामना करें। दोनों हाथों में ग्रहण करें, आंखों पे लगाएं, मुखमंडल पे लगाएं, आंखें खोलें। हरिओम। ओके थैंक यू, हरिओम, सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, कल मिलते हैं फिर जी उसके साथ। ओके जी। सर जी, हेलो।